नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बिहार की पूर्णिया सीट अब सबसे ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, पूर्णिया से पप्पू यादव का निर्दलीय नामांकन भरना अब पूर्णिया सीट को देश की सबसे हॉट सीट बना चुका है। आपको बता दें, जहाँ एक तरफ RJD ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं पप्पू यादव ने भी अब निर्दलीय नामांकन भर दिया है और चुनाव आयोग की ओर से उन्हें चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है, जिसके बाद वो चुनाव चिन्ह को देखते हुए और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहली जीत, 3 घंटे में पूर्णिया के हर मोबाइल पे और 27 लाख लोगों के जुबान पे चले गए। कैची छाप। और जो मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, इसी से न खत्म हो। जो बेईमान लोग हैं, शैतान लोग हैं, चोर लोग हैं, गलत लोग हैं, परेशान करते हैं लोगों को। कैंची ही एक ऐसी चीज है जिससे हम गरीबों का भी उद्धार करेंगे। सबको कपड़े का आप देखिए, किसी चीजों का देखिए, उसमें कैंची की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो छाप हमें मिली, यह जनता की छाप है, आम आदमी के हाथों की छाप है और आम आदमी के तरक्की का ये छाप है और आम आदमी के परेशानी को खत्म करने वाला है छाप। इसलिए छाप जनता के दिलों में है। ये मेरा छाप नहीं है, जनता के आशीर्वाद से ये छाप है। कुछ भी दुनिया में आसान नहीं होता। एक तरफ पूरा दिल्ली PM से लेके सब और दूसरी तरफ पूरी पटना और हमारे तरफ सिंगल मेरा, जिसकी मैं पूजा करता हूँ भगवान। एक तरफ सारे लोग लुभाने वाले लोग आएंगे दुनिया में, केंद्रित करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता। 99 डिग्री पर सांप काटता है और 9 बॉल होता है, तब भी 1 रन बचने पर हम लोग जीतते हैं। फ्री हिट होता है, तो इसीलिए पूर्णिया की जो जीत है ये छोटी जीत नहीं है। ये दुनिया की नजर इस पे है। कनाडा में है, ताशकंद में है, यूरोप में है, सऊदी में है, जहां है लोग पूछ रहे पूर्णिया का क्या हो रहा है। इससे बड़ी जीत तो कुछ हो ही नहीं सकती। भारत में हर दिन हर न्यूज चैनल डिबेट करा रहा हो पूर्णिया के सवाल पर, तो पूर्णिया जब देश दुनिया में बहुत प्रतिष्ठा के साथ ऊंचाई पर चला गया, मेरे लिए यह सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि पूर्णिया देश का नंबर 1 क्षितिज पर चला गया। मुझे सुकून मिला है पूर्णिया को गौरवान्वित होने। सर, आपने कहा कि केंद्रीय बड़े बड़े नेता भी आएंगे, मैडम है चुनाव प्रचार के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? वो कांग्रेस के नेता से पूछिएगा कि हमसे पूछे आपके चुनाव प्रचार में आएंगे भैया? हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। तेजस्वी और लालू जी भी आए, वो धर्म गठबंधन धर्म का पालन आवश्यक है और हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर, हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन
पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना। चलिए प्रणाम, सबका स्वागत है, सब लोग आए, सब लोग काम करें। मैं इतना जानता हूं, भगवान और भक्त के जो रिश्ते होते हैं और माँ और बेटे का, वहां दुनिया की कोई साइक्लोन कोई तूफान असर नहीं करती। बस मैं इतना जानता हूं कि दिल्ली पटना सबने छोड़ा है हमें, बस पूर्णिया का परिवार और घर कोई ना छोड़े, ये मेरा। तो आपने देखा कि किस प्रकार पप्पू यादव कैची चुनाव चिन्ह को लोगों के हाथों की छाप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव चिन्ह आम जनता की परेशानियों को खत्म करने का चिन्ह है। तो वहीं दूसरी ओर वह भ्रष्टाचार को लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कैची चुनाव चिन्ह एक सही चिन्ह है जो भ्रष्टाचार को और उन लोगों को दूर कर सकती है जो बाकी लोगों को परेशान करते हैं। तो पप्पू यादव के इस बयान को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।